ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, हमारे कॉलोनी में फिर से, मतलब कॉलोनी में नहीं, एरिया में फिर से हाथी आ गया। तो देखिए बाहर लाइट लग गया है, अभी चर्चे चल रहे हैं सब। एवरीवन, दिस इज प्रिया सरकार एंड वेलकम टू मिसेस प्रिया सरकार ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? अभी 7:15 हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग, आज भी उठ गई हूँ मैं। एंड आज टिफिन में लिया है मैंने जैम पराठा। कल रात से मैं बहुत टेंशन में थी, क्या दूं, क्योंकि मैंने टिफिन में देने के लिए कुछ तैयारी ही नहीं की थी। तो सडनली ये जो हमारे छोटे मोटे जो हैक्स है वो काम आ जाते हैं, जैम में जो रखे रहते हैं घर में, उससे आप पराठा दे दो, ब्रेड दे दो, जो भी दे दो। तो फिलहाल देखिए सभी ऐसे रहता सर, तो अभी मैं जा रही हूँ दाल चढ़ाने के लिए, क्योंकि आज श्रीदीतिका के स्कूल में है पीडीएम, तो वहां जाना है, क्योंकि जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट देंगे। रिजल्ट हमें पता है, अच्छा करियर आधा, अब मैं क्या ही बोलूं। इसका नंबर ये ना खाया ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मतलब सब ठीक है, लेकिन कितने मार्क्स मिले क्या मिले वो हम आपको आके बताएंगे। तो चलिए मैं पहले अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि खाना बना के जाऊंगी, आता थे 12 बज जाएगा फिर। दीदी का भी आगे फ्रेश होके हैं, 2 दिन हो गया सर, शार नहीं दे रही हूँ मैं, क्योंकि उसके जो नीम में चोट लगी वो पकने के चांस अभी विंटर में, तो वो आती है फिर हाथ पैर धोती है। कल संडे, कल बढ़िया से बना खाएंगे। सो लग रहा है ये पक ही गया है, देखो दोनों से पानी निकल रहा है दोनों घुटनों में। यहाँ पे रेडी है, तो उसको मैंने कान टोपा लगा दिया है, इसलिए उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं बोल रही हूँ बस मैं खाली पहने रहो, उतरोगे तब आप निकाल देना, तो वही मुझे अच्छा नहीं लगता है बोल रही। तो अभी स्कूल का जो यूनिफॉर्म के साथ चलता है ना, मैं वो उसको ला के दूंगी रायगढ़ से, वो पहले जमाने में नहीं चलता था यहाँ पे बांधने वाला, वो नहीं। वैसे ही चलता है स्कूल में। रोशनी दीदी, रोशनी दीदी को ना और भी वाली टोपी रहता है। कैसा रहता है? लड़कियों के लिए तो वही रहता है ना, पहनती है। तो ये देखो इसमें क्या दिक्कत है, कितना सुंदर लग रहा है, उतर दी फिर रख देती, और बाहर इतनी ठंड है ना, मतलब फुल बादल है, फुल बिल्कुल धूप नहीं निकले, क्योंकि जैसे कि कल भी मैंने बताया कि बारिश की संभावना है। तो मैं क्या ही बोलू, मैं पहना सकती हूँ, मास्क लगाओ, भाग गई सीधे। देखिए बाहर की हालत, वरना अभी 7:30 हो गए, इतना देर में धूप निकल जाता है आराम से। बस का थोड़ा डाउट था लेकिन आ गया, क्योंकि आज नर्सरी से 12th बच्चे सारे एक साथ जाने वाले थे, तो आ गया, तो थैंक गॉड। मैं नहीं तो कॉल करने ही वाली थी उनको। मास्क क्यों निकाले? चढ़ाती हूँ दाल, दाल धो के वॉश करके रख देती, क्योंकि मूंग दाल है तो उसको थोड़ा फ्राई करने में नरम चिपक जाता है, जो भी है बोले फटाफट मैं करूंगी। एंड मूली काटूंगी, मूली फ्राई करूंगी, एंड फिर नहाऊंगी फटाफट। पति देव ने तो आके बोलेंगे अभी तक तैयार नहीं हुए, क्या कर रहे थे, उनका डायलॉग, उनके घर का काम नहीं होता, कोई दूसरा करके आके जाता है। सोनीति का घर छोड़ के आके मैं लग गई हूँ सीधे कुकिंग में। यहाँ पे चढ़ा ली है दाल, यहाँ पे काट रही हूँ मूली, देखिए कितना टाइम लगेगा मुझे मूली को ऐसे स्लाइस करने में। अभी गई शावर लेके आ चुकी हूँ मैं, इधर ये दाल और मूली चढ़ा के गई थी मैं, तो मूली इतना पानी छोड़ रही है, और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाने हैं, गोल्डन ब्राउन करना है। तो 9 बज गया, यहाँ पे अपनी चाय और बन लेके मतलब रेडी हूँ, अभी दाल फ्राई करना है, चावल बनाना तो बहुत काम है। 9 बज गया है, 9:30 तक पति देव आ जाएंगे, फिर उनका बकर बकर चालू हो जाएगा, अभी तक क्या कर रहे थे तुम, अभी तक मतलब ऐसा होता है मुझे। एवरीवन, मैं रेडी हूँ स्कूल के लिए, कुछ नहीं किया है, खाली इयरिंग डाले हैं एंड मंगलसूत्र पहना है, एंड खाली सनस्क्रीन लगाई है, ना ही कोई क्रीम लगा रही हूँ, क्योंकि इतना धूल है ना रास्ते में कि कुछ भी कर लो आप। तो मैंने शरारा पहना था, फिर चेंज करके मैंने जीन्स और कुर्ती पहन ली, ऊपर में हुडी डाल दिया क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी, मैंने सोचा स्वेटर घर से ही पहन के। धूल में नहा धो के पहुंच गए हैं हम लोग। देखते हो बच्चन जगह आज खाली प्लेन है, मतलब तो ये रहा ग्राउंड यहाँ, और ये प्रैक्टिस, तो पीटीएम से निकल के जहाँ पर प्रैक्टिस हो रही थी डांस की, हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ पे फिर रितिका को हमने बोला कि नानी के यहाँ पर उतरना, फिर वहीं से हम तुमको पिक कर लेंगे। फिर वहाँ से मम्मी के आए, थोड़ी देर बैठे, फिर चाय वाय पिया, फिर 1:15 तक हम लोग गए मेन रोड, तो उतने में रितिका आ गए, तो उसको वहीं से लेके हम लोग घर आ गए मुझे। फिर ये देखिए मम्मी यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी करी, अभी तक उन्होंने खाना नहीं बनाया था,
फिर हम लोग निकल गए उनके खाना बनाने तक। फिर ये देखिए इतिका भी आ गई, फिर इसको लेके हम लोग सीधे घर आ गए हैं। एंड मार्क्स सारे सब्जेक्ट में अच्छे आए हैं। चाय वाय पी के फिर इतिका को वहीं उतरने के लिए उसको लेके आ गए। पूरा धूल में नहाए एकदम, इतना डस्ट है रास्ते में। मेरा स्वेटर भी गया। नहीं हुआ है। अब गंदा हाथ से देखो, छुए देखो यहाँ पे। मैं देखी इसलिए उसको ऐसे ऐसे कर रही हूँ। तो आते से इतिका की क्लास लगती है क्योंकि मैथ नहीं है, आधा नंबर कटा है बट कटा है बोले। तो उसके बाद ये जो अभी क्लास लग रही है तो अभी जब इसको नीचे उतार दिए। ओ चाय बन गया, सर्व हो गया, उठो उठो उठ जाओ उठो उठो हाथो हाथो। हे गाइस वेलकम बैक, फार्म के पास बस रहे सोई थी, चाय बना के रेडी रखी है थी का, फिर उठा रहे हैं। सो हे एवरीवन, 5:30 हो गया। देखिए मेरी कोई भी नई कपड़े हो अगर उसको आ गए तो वही होता है, कब से पहन के बैठी और इतना गंदा करेगी ना उसको, फिर थोड़ी देर पहनूंगी बोली थी, लेकिन दिखाओ मेगो की तो अच्छा लग रहा है बोल रहे। देखो आपको आ गया, हाथ दिखाओ। चलो बहुत जल्दी हम एक दूसरे के कपड़े पहनने वाले हैं, जस्ट वेट ऑन बॉस। चलो मुंह में अपना दवाई लगा लगाए, इसका जो पिंपल वाला दवाई को लगा रही थी ना तो बहुत मतलब आराम लग रहा था, लेकिन अभी फिर आज क्या होता देखो। हाँ वो पता है, मत छो वहाँ पे लगाए तो उसको, वैसे क्यों कर रहे हो बार बार? क्या दाना दाना उठ गया, अभी फेस में भी निकल रहा है। मैं क्या ही करूँ लड़की का पता नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल पानी नहीं पीती है, बहुत पीती हूँ, बिल्कुल नहीं पीती। स्कूल से 2 लीटर पी के आती हूँ। बस वो 2 लीटर हो गया, और घर में आके 1 लीटर पीते, 3 लीटर। अभी आपने कितने बार पानी पिया? 3 बार स्कूल से आके। कितना मतलब ग्लास भर के? नहीं। एक सबसे ज्यादा नहीं पीते, ज्यादा से 2 सिप। आधा लोटा। अच्छा 3 बार पिया तो 2.5 ग्लास हो गया। हाँ 1.5 हुआ कि 2.5 हुआ? 2.5 2.5 ग्लास। अच्छा 1.5। ब्रेकिंग न्यूज हमारे कॉलोनी में फिर से मतलब कॉलोनी में नहीं एरिया में फिर से हाथी आ गया। तो देखिए बाहर लाइट लग गया, अभी चर्चे चल रहे हैं सब।